नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद कानपुर के आप पदाधिकारियों ने कहा 2000 में बनेगी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार। 2022 उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए यूथ विंग के पदाधिकारी पूरी तरह तैयार। जैसा कि आपको पता है, हमारे आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है कि 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हर विधानसभा सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़े करके विधानसभा चुनाव को पूरी ताकत के साथ में लड़ेगी और साथ में अपनी सरकार भी बनाएगी। और इसी के तहत जो हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद कटियार साहब जो है, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे पत्रकार बंधुओं सामने बात रखी कि जो अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल साहब द्वारा किया गया है उसके तहत हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे और प्रदेश के अंदर अपनी सरकार भी बनाएंगे। और साथ में सरकार बनाने के बाद जो विकास कार्य जो दिल्ली के अंदर अब तक किए गए हैं जनता के लिए, वह सारे विकास कार्य चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, चाहे हम पानी के क्षेत्र में लें, चाहे सड़क के क्षेत्र में, या अन्य जो भी विकास कार्य होने चाहिए प्रदेश के अंदर, वो सारे हम लोग करेंगे जनता के हित के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जनता पूरा सहयोग करेगी। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस अनाउंसमेंट के बाद से जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, भाजपा, सपा, समाजवादी पार्टी, इन सभी के अंदर एक अलग अलग टाइप की खलबली मची हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर एक डर की भावना है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार ना बना ले। तो इस डर को जो उनके अंदर है उसको हम उसको सफलतापूर्वक सरकार बनाकर उनको स्पष्ट करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आम आदमी पार्टी में सहयोग करें ताकि 2022 में पार्टी पूरी ताकत के साथ में प्रदेश के अंदर बहुमत के साथ में सरकार अपनी बना सके। आज आम आदमी पार्टी कानपुर नगर में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हुए 2022 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। समस्त कार्यकर्ता उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है और ये विश्वास दिलाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में समस्त विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार 2022 में बनाएंगे। और जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और जनहित के कार्य हो रहे हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जनहित के कार्य होंगे। यहाँ भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्थाएं लाई जाएंगी। जिस तरह से मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिल्ली में मिल रही है, वो सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में लाई जाएंगी। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और किसानों के लिए जो बेहतर सुविधाएं हैं उसको दिलाने का काम करेंगे। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।